वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, आज दिल्ली दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में योगी सरकार 2.0 के गठन पर आज मंथन होने जा रहा है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से योगी मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण से लेकर मंत्रिमंडल पर भी मंथन होगा। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के साथ बैठक में सरकार की रूपरेखा तैयार करेंगे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बावजूद अब तक यूपी में नई सरकार के गठन का ऐलान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक योगी का शपथ ग्रहण होली के 2 दिन बाद यानी 20 मार्च को हो सकता है। इस बीच नई सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और शनिवार को लखनऊ में सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के संगठन प्रभारी सुनील बंसल मौजूद रहे। इस बैठक के बाद योगी आज केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो आलाकमान से मीटिंग करेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी से भी उनकी बैठक होने जा रही है, मुलाकात होने जा रही है। और बता देंगे, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात है। और सीधा हम रुक कर लेंगे दिल्ली का, हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं लखनऊ से हमें अपडेट्स देंगे अनुप कुमार सिंह। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श से। स्पर्श, योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, कब तक दिल्ली पहुंचेंगे और आज जिस तरह से पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक है, मीटिंग है, गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, तमाम दिग्गजों से आज योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, ऐसे में क्या आज जब ये तमाम मुलाकातें होंगी, तमाम वार्ताओं का दौर जारी होगा, इसके बाद क्या ये स्पष्ट हो जाएगा कि नई सरकार का गठन कब तक होगा? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, मुख्यमंत्री कई सारे नेताओं से जो है मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। 1 बजे के आसपास की बात करें तो बीएल संतोष से मुलाकात होगी। 3 बजे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा 6 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। और रात में 8 बजे की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह से जो है मुख्यमंत्री की मुलाकात होती हुई नजर आएगी। ऐसे में दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का काफी अहम हो जाता है। सरकार की पहले 100 दिनों की रूपरेखा किस तरीके से जो है होने वाली है, उसको लेकर हो सकता है कि आज की इस दिल्ली दौरे के दौरान जो है चर्चा होती हुई नजर आए। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल में कौन नए चेहरे हो सकते हैं उसको लेकर भी जो है इस पूरी बैठक में जो है चर्चा होती हुई जो है नजर आ सकती है दिल्ली दौरे के दौरान। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो सरकार चलाने का कार्यक्रम है खासतौर पर उस पर किस तरीके से जो है जोर दिया जाना है, इन तमाम मसलों को लेकर जो है मुख्यमंत्री का फिलहाल दिल्ली दौरा जो है बनता हुआ आज नजर आ रहा है। इस वर्ष आप जुड़े हैं हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे लखनऊ का, हमारे सहयोगी अनुप कुमार सिंह भी जुड़े हैं। अनुप, ये तो बात हो गई दिल्ली की, लेकिन हम लखनऊ की बात करें तो वहां पर किस तरह का हाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल है वहां पर? देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर तरह तरह सी चर्चाएं हो रही, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से मंथन कर रही है, क्योंकि भाजपा को इन्हीं मंत्रिमंडल के सहारे क्योंकि 2024 को फतेह करना है। निश्चित रूप से आपने 2014 में देखा होता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल हुई थी, तो 2019 में कहीं ना कहीं उसको घट के कम हुई है। और ठीक उसी प्रकार से 2017 के आंकड़े के हिसाब से 2022 में सीटें घटी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मंथन जरूर करेगी कि इन्हीं जब मंत्रिमंडल के सहारे 2024 अगर फतेह करना है तो वो कौन से चेहरे हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब भी कभी मंथन होता है तो जाति और चेहरा और जो लोकप्रियता के हिसाब से उसको उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस कैबिनेट के माध्यम से सभी जातियों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम किया है, वो चाहे टिकट बंटवारे की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है, ठीक उसी प्रकार से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि ये फाइनल हालांकि बैठक नहीं मानी जा रही, इसके बाद भी बैठक का दौर जारी रहेगा कि कब शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल अनुप, फाइनल बैठक नहीं मानी जा रही, लेकिन खबर ये भी है अनुप कि इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा योगी आदित्यनाथ का, योगी सरकार 2.0 जिसे नाम दिया गया है, तो ऐसे में इस विस्तार में कुछ जो पुराने मंत्री हैं उनकी भी छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नए चेहरों की बात करें तो बेबी रानी मौर्या चुकी दलित का एक बड़ा चेहरा के रूप में आई हैं उत्तर प्रदेश में, इससे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वर्तमान में स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के भारतीय
जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको एक दलित चेहरा है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्योंकि एक लगातार वो सक्रिय रहे हैं। एक दूसरा तीसरा नाम अगर लेंगे तो एक आसिम अरुण है, लाखनपुर के कमिश्नर रहे हैं, अभी पहली बार बीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और कन्नौज से विजय हासिल की है। तमाम ऐसे मंत्री हैं। राजेश्वर सिंह ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, अब इस वक्त सरोजिनी नगर से विधायक बन चुके हैं। तमाम ऐसे नए चेहरे हैं, उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। सलमणि त्रिपाठी सरकार में सक्रिय रहते हैं और विधायक बन के देवरिया से आए हैं, तो ये तमाम जो चेहरे हैं उनको शामिल किया जा सकता, क्योंकि पुराने कई चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे उनकी सीटें खाली हैं। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा पहली सरकार में, उनको भी हो सकता किनारा दरकिनार किया जाए और नए चेहरों को शामिल किया जाए, क्योंकि इन्हीं नए चेहरों के सहारे 2024 का भी चुनाव बिल्कुल निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि नए लोगों को भी मौका मिल सकता है योगी की इस नई कैबिनेट में। स्पर्श का हम रुख करेंगे, स्पर्श जिस तरह से आज सीएम योगी दिल्ली दौरे पर होंगे, निगाहें सबकी टिकी होंगी क्योंकि माना जा रहा है कि इसके बाद और बैठकों का दौर जारी रह सकता है और ये फाइनल बैठक नहीं होगी। क्या कुछ वजह मानी जा रही है कि इतना विलंब अभी हो चला है इस पूरी वार्ता के दौर को लेकर और नई सरकार के गठन को लेकर? जी स्पर्श, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार ये कहा जाता है कि होलिका दहन से पहले जो शुभ कार्य है वो नहीं किए जाते हैं, इसलिए जो है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी जानकारी है कि होलिका दहन के बाद यानी होली के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है रखा जाएगा और खासतौर पर मंत्रिमंडल का चयन जो है किस तरीके से किया जाए, क्योंकि तमाम समीकरणों को साधने की जो कोशिशें हैं वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, ताकि एक जो बड़ा मैसेज है वो कहीं ना कहीं जो है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो है दिया जाए। और क्योंकि आने वाले समय में भी कई राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले, हिमाचल प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, या फिर चूंकि इन चुनाव को यह कहा जा रहा था कि 2024 पर सीदा असर जो है इस पर जो है कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा, तो किस तरीके से जो भव्य जो तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर वो जो किए जाए और उसके साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार जो है खासतौर पर तमाम समीकरणों को साधते हुए किया जाए, इसी को लेकर जो है जो आने वाले समय में कई दौर की ओर जो बैठके हैं वो कहीं ना कहीं होती हुई जो है नजर आ सकती है। जी स्पर्श, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। अनुभव, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।